हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादेन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से रहने वाले हैं लास्ट 3 डेज के अंदर, कैसे आपने स्टडी करनी है। और सबसे पहले मैं आज आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ जिससे पढ़कर आप अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 40/40 स्कोर लेके आ सकते हैं। तो बच्चों, ये वो नोट्स होंगे जिससे पढ़कर आप रियलिटी में 40/40 स्कोर लेके आ सकते हैं। और ये सारे नोट्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे बेसिकली अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों वो बेस्ट नोट्स में जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और हमारे बायोलॉजी के नोट्स हैं। और इन नोट्स से आप पढ़कर रियलिटी में अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अपना स्कोर दी बेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि हमारे नोट्स काफी इंस्टीट्यूशन द्वारा ऑलरेडी अप्रूव्ड है और मैंने वो नोट्स प्रिपेयर किए हैं खुद अपने अकॉर्डिंग। तो जिससे मैं आपको बेसिकली क्या क्या मिलेगा बच्चों, एनसीईआरटी क्वेश्चन, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आए हैं, जो टोटली टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो सारे इन नोट्स के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स आपने सबसे पहले कहां से ग्रैब करने हैं बच्चों, तो वीडियो के जैसे ही आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाते हैं वहां पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा। तो चैप्टर वाइज जिसमें कार्बन, इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और एनवायरमेंट के नोट्स को ग्रैब कर सकते हैं। साथ में इन नोट्स के अंदर आपको सभी बेसिकली बच्चों डायग्राम की बात करें, उसके बाद न्यूमेरिकल्स की बात करें, या फिर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हॉट क्वेश्चन है, तो वो सारा इन नोट्स के अंदर आपको मिलने वाला है। तो जल्दी से डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये नोट्स ग्रैब कर लीजिए जो मैं आपको आज बेसिकली अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो ये वो नोट्स होंगे बच्चों जिससे पढ़कर आप रियलिटी में अपना स्कोर दी बेस्ट लेके आ सकते हैं। आपको कोई भी रेफरेंस बुक्स और कोई भी एनसीईआरटी बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी यदि आप इन नोट्स को अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अब उसके बाद मैं बात करूंगा बेसिकली बच्चों जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे इस टर्म टू बोर्ड एग्जाम्स के लिए रहने वाले हैं। तो कार्बन इट्स कंपाउंड के अंदर से जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चों, वो कार्बन के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, सी फॉर पॉजिटिव और सी फॉर नेगेटिव। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास वर्सेटाइल नेचर, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है बच्चों बेसिकली वो काफी इंपॉर्टेंट है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपने प्रिपेयर करने अपने एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट इसी के अंदर बच्चों डॉट स्ट्रक्चर आ सकती है, बेसिकली डॉट स्ट्रक्चर इसमें पेंटेन की भी आ सकती है, इथेनोइक एसिड की भी आ सकती है, हाइड्रोजन सल्फाइड की आ सकती है। उसके बाद यदि बात करें बच्चों तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी डॉट स्ट्रक्चर बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा बच्चों, बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो ये बेसिकली सारा आपको हमारे नोट्स में मिलेगा बच्चों जेन्युइन वे से। मैं आपको 100% चैलेंज करके कह रहा हूं कि यदि ये नोट्स कर लेते हैं बिल्कुल डन तरीके से तो आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। उसके बाद बच्चों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें आपने लिमिटेशन करनी है डोबनर ट्रायड्स की, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और उसके बाद मेंडलीव की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेसिकली मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या होता है और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे क्वेश्चन आएगा बेसिकली ये मैं आपको कराऊंगा बेसिकली क्योंकि मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इन लास्ट अपकमिंग जो हमारे पास जो 3 डेज हैं बच्चों इनमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 1 by 1 कराने वाला हूं आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो आपको एक एक वीडियोस आएगी बेसिकली केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायोलॉजी की, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। उसके बाद हमारे पास बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्वेश्चन 100% एग्जाम्स में आ सकता है, तो उसको भी आपने 100% प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हमारे पास हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन और फीमेल रिप्रोडक्टिव, उसके बाद व्हाट इज ए प्लेजेंटा और उसके बाद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी बार हमारे फाइनल एग्जाम्स के लिए। इन क्वेश्चन पे आपने सबसे ज्यादा फोकस करनी है अपने एग्जाम्स में। उसके बाद बच्चों हेरिडिटी वाले के अंदर मैं आपको ओनली 4 questions बताने वाला हूं बेसिकली कि व्हाई मेंडल चूज ए पी प्लांट, कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास बच्चों यहां पर जो मेंडल लेके चला था लॉ ऑफ ए डोमिनेंस और लॉ ऑफ बेसिकली रिसेसिव,
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला जो लॉ है बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ इनहेरिटेंस, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट्स, तो ये सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेसिकली रहने वाला है वो आपके लिए यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर बच्चों वो रहेगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपकी बार टर्म टू बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो ये टॉपिक्स आपने करना है यहाँ पर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स सबसे पहले आपने वन बाय वन सभी फॉर्मूलेज को करना होगा बेसिकली बच्चों, कि ओम्स लॉ का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, बेसिकली करंट का क्या फॉर्मूला होता है, सभी ऐसा यूनिट्स आपने करनी है और वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से डे बाय डे आप सभी स्टूडेंट्स को, तो वो सभी आपने वीडियोज देखनी है अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर बच्चों सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नेक्स्ट टॉपिक यहां पर रहेगा आपके लिए कि सर्कुलर लूप क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों व्हाट इज सोलेनॉइड, उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और इसी के अकॉर्डिंग आपने करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद ए टू डिफरेंट वेज, तो ये चैप्टर के अंदर से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और इलेक्ट्रिक जो मोटर है उसके अंदर आपने करना है बच्चों व्हाट इज द रोल ऑफ ए स्प्लिट रिंग फॉर 2 मार्क्स, कि उसका क्या रोल है, तो ये हमारे पास फिजिक्स के अंदर इस चैप्टर के अंदर से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों यहाँ पर और एनवायरमेंट चैप्टर, तो और एनवायरमेंट सिलेक्टेड चैप्टर है बेसिकली, तो इसके अंदर बेसिकली मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बताने वाला हूँ, व्हाट इज ए फूड चेन, व्हाट इज ए फूड वेब, ट्रॉपिक लेवल, गार्बेज क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और 10% लॉ, और यहाँ पर कुछ बेसिकली फुल फॉर्म्स हैं बच्चों, तो शॉर्टकट फॉर्म्स हैं, तो वो हमारे नोट्स में आपको मिलेगी, तो वहां से आप इन सभी मटेरियल्स को कर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास 3 डेज है, तो इन 3 डेज के अकॉर्डिंग आप सभी चैप्टर वाइज इन कॉन्सेप्ट्स को करना है, और यदि कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, तो मैं 100% आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा आपके टर्म टू बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो वन शॉर्ट वीडियोज ऑलरेडी बच्चों मैं यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं, तो वन शॉर्ट वीडियोज भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी, सिर्फ बात है कंसंट्रेशन की, आपकी मेहनत की, आपके लगन की, आपके अकॉर्डिंग चलना है, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ रिटर्न ही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है साइंस सब्जेक्ट के अंदर, तो रिटर्न के अकॉर्डिंग ही आपने सारे चैप्टर को करना है। राइट डाउन करके देखिए कि सर कार्बोनेट्स कंपाउंड की वैलेंसी क्या होती है, बेसिकली उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट डाउन करेंगे, होमोलोगस सीरीज क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, तो ये वन बाय वन टॉपिक्स को आपने करना है बेसिकली बच्चों, क्योंकि 3 डेज है, तो इन 3 डेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिए, सेल्फ मोटिवेटेड होकर बिल्कुल एक टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइम डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग, तो ये आपने सारे टॉपिक्स करने हैं। तो मैं अभी आपको बेसिकली सभी चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और बच्चों ये वो नोट्स हैं रियलिटी में मैं जेन्युइन वे से कहता हूँ, क्योंकि मैं अपने खुद कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भी ये नोट्स के अकॉर्डिंग ही बच्चों को टीच करता हूँ, और हमारा रिजल्ट हर बार 100% मिलता है हमारे साइंस सब्जेक्ट के अंदर, तो क्यों ना आप भी अपना स्कोर ले सकते हैं साइंस के अंदर फुल बाय फुल मार्क्स, और तो इन नोट्स को आपने डाउनलोड कर लेना बच्चों, तो जल्दी से जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा गूगल ड्राइव का, वहीं पर आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, यहाँ भी मैं काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस और सभी नोट्स आप सभी के लिए करने वाला हूँ। तो बेसिकली जो भी क्वेश्चन आता रहेगा हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, तो मैं वन बाय वन वीडियोस के अकॉर्डिंग आप सभी को वो कराऊंगा बेसिकली, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें बच्चों, या बायोलॉजी की बात करें, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको टर्म टू के लिए, तो ये सारे टॉपिक्स आपने कवरअप करने हैं सबसे पहले। सेकेंड स्टेज में हम बात करेंगे बेसिकली बच्चों जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वो मैं भी करा के बताऊंगा आपको कि कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेसिकली इंपॉर्टेंट है हमारे इन अपकमिंग 3 डेज के अंदर, तो सिर्फ एक रेगुलरिटीज के अकॉर्डिंग आपने ये सारे चैप्टर वाइज नोट्स करने हैं बच्चों, तो ये नोट्स सबसे पहले करिए आप, फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी कर सकते हैं बेसिकली यदि करना चाहें तो, वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी जब आप ये रियलिटी नोट्स को कर लेते हैं, तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आऊंगा, तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, तो जय हिंद जय भारत।